बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने दज्जाल को अपने ख्वाबों में बहुत बार देखा है। दज्जाल का कद तकरीबन 6 फुट 1 या 2 इंच है। इसका जिस्म मजबूत और बाल थोड़े से घुंघराले हैं। इसकी जिल्द ज़रा स्याही माइल है और चेहरा दहशतनाक है। जब वो चलता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। वो मुझे एक आम इंसान ही लगता है, मगर इसके पास बेशुमार जादुई ताकतें होती हैं। और एक ख्वाब में शैतान दज्जाल को अपना अजीम सिपा सलार कह के बुलाता है। जब अल्लाह अपनी रहमत से पूरी दुनिया को अमन और इंसाफ से भर देता है, तो इसके कुछ सालों के बाद अचानक दज्जाल जाहिर हो जाता है। जब दज्जाल जाहिर होता है तो नेक लोग परेशान हो जाते हैं। दज्जाल खुदाई का दावा करता है और इसके पास अपने दावे को साबित करने के लिए बेशुमार जादुई ताकतें होती हैं। दज्जाल लोगों को हमेशा की ज़िंदगी और जवानी का लालच देता है, और कमज़ोर ईमान वाले बहुत तेज़ी से दज्जाल के ग्रोह में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। मैं दज्जाल को रोकने के लिए जाता हूँ और दज्जाल मुझसे कहता है, कासिम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। तो मैं दज्जाल से कहता हूँ, इससे क्या होगा, एक दिन तो हम सबको मरना है और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, और तुम्हें भी एक दिन मरना है। मेरा और तुम्हारा माबूद एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये सुन के दज्जाल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ल को बदल के इंतहाई खौफनाक कर लेता है। इसे देख के मेरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है और मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। दज्जाल मुझसे कहता है, कासिम अगर तुम मेरे लश्कर में शामिल नहीं होगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। घर जाके अच्छी तरह सोच लो कि तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। फिर मैं मुसलमानों में वापस आता हूँ और इनसे कहता हूँ कि जो कोई भी दज्जाल के सामने गया तो 99.9% इम्कान है कि वो दज्जाल से मिल जाएगा। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, और जिस पर अल्लाह की खास रहमत होगी वही दज्जाल के फितने से बच सकता है। और मुसलमानों, दज्जाल के साथ मिलने से बेहतर है कि हम बहैसियत मुसलमान मरें। आओ दज्जाल से लड़ते हुए अल्लाह की राह में मारे जाएं। सब मुसलमान मेरी बात से इत्तफाक करते हैं। फिर हम दज्जाल से बहुत बड़ी जंग करते हैं। अल्लाह का नूर मेरी शहादत की उंगली पे जाहिर होता है और मैं दज्जाल को अल्लाह के नूर से मशगूल करता हूँ, ताकि वह अपनी दज्जाली ताकतें मुसलमानों की फ़ौज पर इस्तेमाल ना कर सके। मुसलमानों की फ़ौज दज्जाल की फ़ौज से लड़ाई करती है और मैं दज्जाल से लड़ाई करता हूँ, ताकि मुसलमानों की फ़ौज दज्जाल की फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। मैं अल्लाह के नूर की वजह से दज्जाल को बहुत देर तक मशगूल रखता हूं, मगर दज्जाल बहुत ताकतवर होता है, और दज्जाल से लड़ते लड़ते अचानक अल्लाह का नूर मेरी शहादत की उंगली से गायब हो जाता है और मैं कहता हूँ, कासिम यहाँ से भाग। मैं वहाँ से भागता हूँ और दज्जाल मेरे पीछे आता है। मैं अल्लाह की रहमत से हवा में भागना शुरू कर देता हूँ और दज्जाल मुझे देख कर कहता है, कासिम आज मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भागते भागते एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता हूं, मगर दज्जाल भी मेरे पीछे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पहुंच जाता है। दज्जाल पीछे से मेरी कमर पर वार करता है और मैं ज़ख्मी होकर वहीं गिर जाता हूं। जहां मैं गिरता हूं वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा होता है, वो खुल जाता है और मुझसे कहता है, कासिम मेरे अंदर छुप जाओ, मैं तुम्हें दज्जाल से बचा लूँगा। मैं दिल में कहता हूँ कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से पनाह नहीं मांगूँगा, और मैं इस पत्थर से पनाह लेने से इनकार कर देता हूँ। और साथ ही दज्जाल मेरे करीब पहुंच जाता है और कहता है, कासिम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी दौरान मैं अल्लाह को पुकारता हूं कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अचानक लफ्ज़ अल्लाह नूर से भरा हुआ आसमान से उतरता है। फिर अल्लाह साथ वाले पहाड़ पर बिजली फेंकता है और एक खौफनाक किस्म की आवाज़ आती है और पहाड़ काला स्याह होकर रेजा रेजा हो जाता है और दज्जाल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर अल्लाह अपने फजल से मेरा ज़ख्म ठीक कर देता है और मुझसे कहता है, कासिम दज्जाल सिर्फ 4 घंटों के लिए बेहोश हुआ है, और 4 घंटों के बाद ये होश में आ जाएगा। तुम यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाके छुप जाओ, और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ दज्जाल के सामने नहीं आना। मैं कहता हूँ, जैसे तेरा हुक्म, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। जब दज्जाल होश में आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता कि इसके साथ क्या हुआ था, और वो यही समझता है कि इसने मुझे कत्ल कर दिया है। दज्जाल वापस आकर मुसलमानों को बताता है कि इसने मुझे कत्ल कर दिया है, और ये सुनकर मुसलमान कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, और दज्जाल अपना मिशन बगैर किसी रुकावट के बहुत तेज़ी से शुरू कर देता है। मज़ीद जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।